राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, पावन चिंतन धारा के संस्थापक श्री पवन सिन्हा जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक श्री आशीष गौतम जी, पावन चिंतन धारा की सचिव डॉक्टर कविता अस्थाना जी, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागीगण, अन्य गणमान्य अतिथिगण, मेरे सामने कुछ सांसद महोदय भी बैठे हुए हैं, देवी और सज्जनों, युवाओं से मिलना और उनके साथ संवाद करना मुझे हमेशा से प्रिय रहा है। इस देश के नौजवान अर्थात हमारे युवा बेटा बेटियां न केवल देश को दिशा देने की सामर्थ्य रखते हैं, अपितु वो स्वयं भारत का भविष्य है। उमंग, उल्लास और ऊर्जा से भरे आप सब युवाओं के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। भारत अध्यात्म, ज्ञान, कर्म, सेवा, साधना और करुणा का देश रहा है। भारत राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए युवाओं की भूमिका का महत्व पहचानने वालों का देश रहा है। ऋषियों, मुनियों, शिक्षकों, राष्ट्र नेताओं, कवियों, गुरुओं और वरिष्ठ जनों ने युवा शक्ति का यथेष्ट मार्गदर्शन करके उन्हें समाज, देश और दुनिया के कल्याण की ओर सदैव प्रेरित किया। मुझे बताया गया है कि पावन चिंतन धारा आश्रम भी युवा अभ्युदय मिशन के माध्यम से युवाओं के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है। यह संस्था गरीब और साधनहीन बच्चों को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही है। मैं संस्था के संस्थापक, जिनका व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार का है, अद्भुत व्यक्तित्व है, श्री पवन सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को इन प्रयासों की सराहना करता हूँ, और वो अपने प्रयासों में सफल होते रहें ऐसी मेरी शुभकामना भी है। देवी और सज्जनों, राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं को प्रेरित करने में समाज की, मनीषियों और चिंतकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मनीषी और चिंतक युवा शक्ति के लिए सदैव प्रेरक होते हैं, उनके रोल मॉडल होते हैं। सामान्य तौर पर ये रोल मॉडल समय समय पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं, लेकिन कुछ रोल मॉडल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और ऐसे ही एक रोल मॉडल जो कालजयी रोल मॉडल हैं, स्वामी विवेकानंद। ये प्रसन्नता की बात है कि पावन चिंतन धारा आश्रम के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज से लगभग 126 वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। इसी सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को एक तेजस्वी सन्यासी ने अपने विचारों की आभा से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। ये तेजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद ही थे। स्वामी विवेकानंद ने उस सम्मेलन को बताया कि वे एक ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने सभी धर्मों और देशों के लोगों को अपनाया, जिसने अपने लोगों को सहनशीलता सिखाई और सबको साथ लेकर चलने की शिक्षा दी।
मुझे प्रसन्नता है कि पावन चिंतन धारा संस्था इसी उपलक्ष्य में 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ज्ञानोत्सव के रूप में मनाती है और इसी कड़ी में ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सब लोगों ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का, नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर जब हम एड्रेस करते हैं ऑडियंस को तो यहाँ से शुरू होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर इन दैट फोरम हु सेट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और दोनों में बहुत अंतर है, एक और लेडीज एंड जेंटलमैन को रखिए और दूसरी तरफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को रखिए। सिस्टर्स और ब्रदर्स जब हम संबोधित करते हैं तो भारतवर्ष की जो एक कल्चरल थीम है, संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, वो उसको परिलक्षित करती है। यही उनके शब्दों की बहुत बड़ी विशेषता थी। स्वामी विवेकानंद के विचार दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित करते रहे। उन्हें युवाओं की ऊर्जा पर बहुत भरोसा था। वो कहते थे कि युवा वो होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में सदैव काम करता है। मुझे लगता है कि आपको भी बस अतीत को जानना है केवल, क्योंकि अतीत को जानकर उसे समझकर आपको भविष्य के अपने लक्ष्य तय करने, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ भी उत्तम और कल्याणकारी है उसे प्राप्त करने के लिए काम करते रहना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही दृष्टि और विवेक जागृत करने में शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पुस्तकें रटना या डिग्रियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करने का होना चाहिए जो स्वावलंबी, चरित्रवान, बुद्धिवान और उद्यमी हों। वे चाहते थे कि सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही हो। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे चरित्र बने, मानसिक तेज बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आत्मनिर्भर और राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति किसी खेत में, किसी कारखाने में, किसी स्कूल का